नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। भाजपा ने सुशासन दिवस के रूप में मनाई पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस का त्यौहार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास। मौसम विभाग ने किया घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी। खनन निजीकरण को लेकर हुआ हंगामा। धरने पर बैठे विधायक। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर हुआ मैराथन दौड़ का आयोजन। वीर बाल दिवस के आयोजन पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत। मानसिक रूप से कमजोर किशोरी के साथ एक शादीशुदा युवक ने किया दुष्कर्म। बाबा अविनाश ने सरकारी योजनाओं में हुए भ्रष्टाचार की जांच न होने पर सचिवालय देहरादून में आमरण अनशन व आत्मदाह की कही बात। मौसम विभाग ने फिर किया पूरे प्रदेश भर में पूर्वानुमान जारी। अब खबरें विस्तार से। 25 दिसंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को लोहाघाट में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुशासन दिवस के रूप में मनाया। आपको बता दें, लोहाघाट के NFC भवन में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सचिन जोशी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया तथा देश के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को भाजपा द्वारा सुशासन दिवस के रूप में प्रत्येक बूथ स्तर पर इस कार्यक्रम को मनाया गया। और ऐसे एक संगठनकर्ता और कुशल एक कवि भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी की जयंती के शुभ अवसर पर विभिन्न हमारे बूथ स्तर पर गोष्ठियों का आयोजन किया गया। और निश्चित रूप से जो उनके आदर्श और उनके चले हुए रास्ते पर चलकर आज भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। और आज संकल्प हम भाजपा के समस्त कार्यकर्ताओं ने लिया कि आने वाले समय में सेवा और सुशासन जो हमारी सरकार आज दे रही है इसको आगे बढ़ाते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प। चंपावत में क्रिसमस को धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें, इस दौरान दूत पोखरा छीड़ा पानी में स्थित फूलगढ़ी चर्च में क्रिसमस पर विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। साथ ही विशेष प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। सोमवार को क्रिसमस डे के अवसर पर प्रार्थना और गीतों के साथ यीशु मसीह के जन्म दिवस को धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान नगर व ग्रामीण क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आज सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी पहुंचे। आपको बता दें, सीएम धामी ने टिहरी को करोड़ों की सौगात दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया तथा आम जनता को भी संबोधित किया। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देहरादून से मौसम विभाग ने घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में 26 व 27 दिसंबर के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी हो चुका है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में अगले 2 दिन घना छाया रहेगा एवं 31 दिसंबर की रात पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है एवं राज्य में नए साल की शुरुआत पर बारिश व बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। हल्द्वानी के कोयला खनन कारोबारियों का आंदोलन अब तेज हो गया है। आपको बता दें, पिछले एक महीने से आंदोलन करने के बाद आज परिवार सहित बुद्ध पार्क में सैकड़ों की संख्या में खनन व्यवसाय से जुड़े वाहन स्वामियों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें, हल्द्वानी विधायक सुमित्र देश और खटीमा विधायक भुवन चंद कापड़ी खनन कारोबारियों के समर्थन देने बुद्ध पार्क पहुंचे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पूर्णतः सहयोग और जिस प्रकार से साजिशन तरीके से धीरे धीरे निजीकरण की ओर गोलों को बढ़ाया जा रहा है, कांटे हटा दिए गए हैं, इंची टेप से नापकर घन मीटर नापा जा रहा है, पूरे प्रशासनिक अधिकारी इतनी मेहनत करके पढ़ाई करके PCS का एग्जाम पास करते हैं, उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम पास करते हैं, वो वहाँ पे पत्थर पड़वा रहे हैं डंपर में, और पूरा शासन प्रशासन को सीधा देहरादून से संचालित करके बोला गया है कि गौला में हर हाल में खनन होगा। लेकिन ये गौला नदी वो नदी है जो हमारी आर्थिक जननी है, हमारी माँ के स्वरूप है। इसको कतई भी, मैं गौला संघर्ष समिति के सम्मानित अध्यक्ष रमेश जोशी जी और उनकी सारी टीम को बधाई देता हूँ कि उन्होंने समन्वय अच्छा बिठाकर गांधीवादी तरीके से इस प्रदर्शन को चालू करा है। पुलिस प्रशासन ने जुलूस की अनुमति नहीं दी क्रिसमस का और अन्य चीजों का हवाला देकर, हमने उनकी बात मानी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी मोती नगर में और इंदिरा नगर बनबुलपुरा में लोगों को यहाँ आने से रोका गया है। यानी कि सरकार घबरा चुकी है। ये जो आंदोलन है इसमें तेज धार देने के लिए जो आम व्यक्ति बाहर निकल के आए, गौला से जुड़े हुए जो परिवार हैं,
एक गाड़ी से 20 लोग जुड़े हैं, बच्चे भी आए हैं, एक गाड़ी से 20 लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे जुड़े हैं और उनकी रोजी रोटी पर और उनके पेट पे लात मारने की जो साजिश है उसको किसी भी तरह सफल नहीं होने। उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे पहले तो अपने विभागों को असफल मान रही है। कुमाऊं मंडल विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम, वन निगम जो खनन कराता था वो सरकार के नेतृत्व में असफल है, इसलिए निजीकरण इसका किया जा रहा है। इससे पहले भी देहरादून में मैंने निजीकरण के खिलाफ जो खनन नदियों को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, मैंने खुद जो है कि पीसीसी में इसके खिलाफ प्रेस करी थी। कांग्रेस के सारे लोग इस निजीकरण के खिलाफ हैं। गोला, दापका, कोसी, नंदौर, साधुनगर, इसके अलावा बहुत सारी नदियाँ जो प्राकृतिक स्रोत है रोजगार का उत्तराखंड में, जो देवभूमि अपने बच्चों के पालने के लिए रोजगार देती है और साथ में सरकार को राजस्व देती है, सरकार इन्हें निजी हाथों में देना चाह रही है। तो हम गोला संघर्ष समिति के जो नेतृत्व में यहाँ आंदोलन चल रहा है, आज पूरी कांग्रेस पार्टी उसे समर्थन देने आई है। इस आंदोलन की लड़ाई को हम सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेंगे, हर तरीके से इनके साथ खड़े रहेंगे, चाहे सड़क में प्रदर्शन करना हो, चाहे जेल जाना हो, चाहे सदन में उठाना हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास घेराव, जो भी निर्णय गोला संघर्ष समिति लेगी कांग्रेस पार्टी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। ये हमें सरकार हमें ना अपना कारोबार हमसे छीन रही है, ये सरकार हमारी गोला को प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है और हमारी फिटनेस जो एक सरकारी जो सेंटर में होती थी वो हमसे छीन के प्राइवेट में दे जा रही है। तो सीधा सीधा मैं धामी सरकार जी से कहना चाहूँगा, हमारी जो फिटनेस पूर्व का भांति जैसे चलती आ रही है वैसे आई और नदी में हम जैसे पहले जैसा कार्य करते वैसे करते आए। ये देखो, ये आंदोलन दो तरफा चल रहा है, एक तरफा आंदोलन चल रहा है पेट के लिए और एक सरकार भी आंदोलन चला रहे, हमारे पीछे पुलिस प्रशासन सब लगा दे, आज हमें रैली की इजाज़त नहीं दी है, हम अपनी रोजी के लिए लड़ रहे हैं और हमारी ये गोला जबरदस्ती चलाना चाहते थे, एक एक डंपर के पीछे एसडीएम टीएम सभी भाग रहे, अरे हम तो गोला चलाने के लिए तो हैं, हमारा और काम क्या है। लेकिन हमारी कुछ मांगे हैं वो शर्त है, हर साल हमारी जेब में डाका जा रहा है, हम कर रहे भैया हमारी समस्या हल करो, हम चलने को राजी हैं, हमारा तो काम ही है रोजी करने का, लेकिन सरकार अपनी ऐठ में है। अगर इनको अवैध खनन का या इस तरह का वो लग रहा है तो भाजपुर देखें, हमारा शांतिपुरी देखें, पर जमरानी देखें, ये जो नदियाँ चला रही, जिन नदियों को निगम चला रही है सबसे तरीके से चला रही है, एक कुंटल का भी कहीं हेरा फेरी नहीं हो रही है, फिर भी सरकार की नजरों में गोला आई पड़ी है, इसके आड़ में सारा खेल खेल ली, हम इसके विरोध में बिल्कुल हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन इसको निजीकरण नहीं होना। कुछ दिनों से जो ये लोग मांगे कर रहे हैं कुछ उसमें फिटनेस को लेकर है और इसके अलावा इनको लग रहा है कि तौल में प्रॉपर तरीके से व्यवस्था नहीं की गई है, जिलाधिकारी महोदया ने सभी चीज़ों के लिए व्यवस्था बना के रखी है, कहीं चाहे फिटनेस हो वो और या तौल के हो, सभी की व्यवस्था हो जा रही है। तौल के लिए कांटों का मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए उसको मैनुअल तौल की जा रही है, कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई भी कमी नहीं आने दीजिए। कि मेरा भी लोगों से यही अपील है कि आप लोग पहले देख लें कि क्या आप लोगों को कहीं अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है या आप लोगों को कहीं कोई समस्या आ रही है, उसके बाद इस स्थिति में आए और सारे गेट खुले हुए हैं, पूरी तरीके से खनन की निकासी के लिए गेट तैयार है और आप लोग आए, कहीं भी आप लोगों के को अव्यवस्था नहीं होने दीजिए। जिलाधिकारी महोदय ने सभी को निर्देशित कर रखा है, चाहे वो उसमें फिटनेस की समस्या हो, चाहे कहीं भी कोई समस्या नहीं आ रही है, तो ये इन्हीं लोगों की मांगों के परिप्रेक्ष्य में ही ये कार्य हुआ है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का, बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर हल्द्वानी में गुजरात बिस्ट महामंत्री ने मैराथन दौड़ का आयोजन किया, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर युवाओं ने भाग लिया। आपको बता दें, मैराथन दौड़ में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंचे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। INS विक्रांत बना दिया कर रहे हैं अपने नीरज भाई तिवारी जी। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। और जिले में मंत्री श्री प्रमोद अध्यय अटल जी के जन्म दिवस को सुशासन के रूप में मनाया जाता है। इस समय पूरे देश में इसी प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। यहाँ पर हमारे पूर्व महामंत्री और हमारी पार्टी के अब वरिष्ठ नेता गजराज जी ने 97 से लगातार ये कार्यक्रम लिए हैं।
बच्चे दौड़ते हैं और उसके बाद उनको यहाँ पर जो भी गिफ्ट जो इसमें हम लोग देते हैं पारितोषिक वो दिया जाता है, उत्साह वर्धन किया जाता है, जिससे कि जो पौध आज तैयार हो रही है कर वो राष्ट्र के काम आए। इस तरह से सुशासन के रूप में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, वाणी कैसी होनी चाहिए, कामकाज करने का तरीका कैसा होना चाहिए, जो सत्ता में बैठे हैं उनका व्यवहार कैसे हो, कामों के प्रति उनका डेडिकेशन कैसा हो, जो कार्यकर्ता हैं जो जनता है हम किस तरह से बिल्कुल समर्पित भाव से लोगों के बीच में जाके काम करें, ये तमाम चीज़ें सुशासन में आती हैं। स्वच्छ, एकदम स्वच्छ सफाई, जहाँ पर कोई भी गलत होने की गुंजाइश ना हो, आम आदमी का रूटीन के काम लगातार होते रहें, आदमी को भटकना ना पड़े, बिना कहे उसके होने वाले काम हो जाएं, तो वो आज पूरी तरह से जो हम मनाते हैं वो देख रहे हैं, सुशासन चारों तरफ दिखाई दे रहा है। श्रद्धेय अटल जी का जन्मदिन मना रहा है, लेकिन विशेष रूप से उत्तराखंड प्रदेश हर वर्ष उनके जन्मदिन पर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करता है और उसी कार्यक्रम के तहत हम सब लोग युवा साथियों के साथ हाफ मैराथन दौड़ का यहाँ पर आयोजन करते हैं। आज विशेष रूप से हम सबके बीच में केंद्रीय राज्य मंत्री श्रद्धेय अजय भट्ट जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं, पूरा उत्तराखंड, क्योंकि इस उत्तराखंड का निर्माण, इस उत्तराखंड के नींव में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का पूरा योगदान रहा है। हम उनके योगदान को प्रत्येक वर्ष उनके जन्मदिन पर याद रखते हैं, याद करते हैं। मैं पूरे उत्तराखंड की ओर से उनको कृतज्ञता जाहिर करते हुए उनके जन्मदिन पर उनको पूर्ण अपना नमन करता हूँ, पुष्प अर्पित करता हूँ। श्रद्धेय अटल जी हम सबके बीच में एक विचार के रूप में, कविताओं के रूप में हमेशा हमारे बीच में, इस उत्तराखंड के नाम के रूप में हम हमेशा हमारे बीच में उपलब्ध रहेंगे। उनका निश्चित रूप से जो अटल जी ने इस प्रदेश के लिए किया, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए किया, इस राज्य को बनाने के लिए किया, पूरा उत्तराखंड उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर कर। हल्द्वानी पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने जीजीआईसी में वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बता दें इस दौरान सिख समाज के लोगों ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में सिख समाज के शहीद साहबजादों को श्रद्धांजलि देते हुए मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है। यह कार्यक्रम सभी स्कूलों विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मंदिर थोड़ी देर में देखते हैं। और गुरुद्वारा सिंह सभा के संरक्षक सरदार देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो वीर बाल दिवस है उन्होंने पूरे देश में, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में इसको मनाने का निर्णय किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सभी शिक्षण संस्थाओं में भी इस कार्यक्रम को होना चाहिए ताकि नई पीढ़ी को वीर बाल दिवस के बारे में ज्ञात हो, कि नई पीढ़ी को ये उनका इतिहास पता होना चाहिए। इसलिए हम हर स्कूल में कार्यक्रम कर रहे हैं, विश्वविद्यालय में कार्यक्रम कर रहे हैं और जो वीर बाल दिवस के बारे में जो इतिहास है वो बच्चों को पूरा यहाँ पे बताने जा रहे हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के मुख्यालय रुद्रपुर में एक शादीशुदा युवक ने मानसिक रूप से कमजोर किशोरी से दुष्कर्म किया। आपको बता दें किशोरी की तबीयत बिगड़ने से परिजन अस्पताल ले गए तो 5 महीने की गर्भवती होने की जानकारी से परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 376 पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये बहुत ही संवेदनशील प्रकरण एक प्रकाश में आया है, जिसमें वादी की तहरीर के आधार पर एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन हमने स्टार्ट कर दिया है और इसमें शीघ्र ही साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसमें की जाएगी और बाकी डिटेल्स इसमें जैसे कन्फर्म होती हैं हम लोग शेयर करेंगे। प्रथम दृष्टया इसमें वही एक्सप्लॉयटेशन के ही आरोप लगे हैं इसमें और उसी के हिसाब से, क्योंकि पीड़िता जो है वो नाबालिग है और उनको मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं है, तो उसके हिसाब से इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
सरकारी योजनाओं में हुए भ्रष्टाचार की जांच न होने पर सचिवालय देहरादून में आमरण अनशन व आत्मदाह करेंगे बाबा अविनाशी उर्फ लक्ष्मणनाथ। दरअसल आपको बता दें, चंपावत जिले के बड़कोट ब्लॉक निवासी लक्ष्मणनाथ उर्फ बाबा अविनाशी ने आज मीडिया को दिए गए बयान में जानकारी देते हुए बताया कि बड़कोट ब्लॉक के धती गांव में सरकार द्वारा चलाई गई कई जनकल्याणकारी योजनाएं गांव के दबंग व विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। साथ ही इसी तरह के कई संगीन आरोप भी लगाए। वहीं उनका यह भी कहना है कि गांव की गरीब जनता इसका लाभ नहीं ले पा रही है। संवाददाता लक्ष्मण बिश्त की रिपोर्ट। काफी लंबे समय से मैंने एप्लीकेशन शिकायत पत्र दी जिसमें कोई जांच नहीं हुई, नहीं गरीबों का हित देखा जाता है, नहीं मतलब विकास कार्यों को देखा जाता है, केवल कुछ दबंगों का सहयोग लेके समस्त विभाग ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले समस्त विभाग घोटालाओं का सरकारी योजनाओं का घोटाला करते हैं। मौसम विभाग ने एक बार फिर पूरे प्रदेश भर के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। आपको बता दें, मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 1 से 2 दिनों तक मौसम फिलहाल शुष्क रहने की उम्मीद है। हालांकि मैदानी जिले में कोहरा छाया रह सकता है। वहीं 31 दिसंबर से 2 से 3 दिन तक मौसम बदलने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिक रोहित अपलियाल ने कहा कि नए साल के मौके पर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जिसके चलते कड़ाके की ठंड बढ़ने की उम्मीद है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, अगर आगे 3-4 दिन की बात करें तो जो है उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा, और अगले 1-2 दिन में देखेंगे जो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र हैं, विशेषकर जो हरिद्वार और उद्धम सिंह नगर है, वहाँ पे सुबह के वक्त कोहरा छाने की उम्मीद है, तो मॉडरेट से लेकर डेंस जो है फॉग मिलने की संभावना है। उसके बाद जो है बात करेंगे 4 दिन बाद 30-31 के बाद जो है 30-31 और 1 तारीख में उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र, विशेषकर जो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर है, वहाँ पर कहीं कहीं हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। साथ ही जो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी भी मिल सकती है इन क्षेत्रों में 30 तारीख, 31 तारीख और 1 तारीख। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरंगला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।